मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। पिछले साल एमसीआई ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी थी। जैसे तैसे मान्यता बहाल हुई तो अब प्रदेश की उच्च शिक्षा पर बदहाली मंडराने लगी है। प्रदेश के तमाम यूनिवर्सिटी को यूजीसी से मिलने वाली ग्रांट पर रोक लग गई है। दरअसल उच्च शिक्षा में बेहतरी और उसके मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार यूजीसी की सहयोगी संस्था नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल ने प्रदेश की 5 यूनिवर्सिटी को अधिमान्यता देने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि नेक की अनुशंसा पर ही यूजीसी यूनिवर्सिटी को आर्थिक मदद देता है। यह है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, जहाँ दूर दूर से छात्र उच्च शिक्षा लेने आते हैं। लेकिन इस बार इन्हें ये शिक्षा कैसे मिलेगी, ये ना छात्र जानते हैं और ना ही शिक्षक, क्योंकि इनके विश्वविद्यालय के साथ साथ प्रदेश के 4 और विश्वविद्यालयों को यूजीसी से मिलने वाली आर्थिक मदद पर रोक लग गई है। यूजीसी विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से चलने, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए पैसा देता है और यूजीसी ये पैसा देता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल की रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों ने नैक से अधिमान्यता नहीं ली है, जिसके चलते अब यूजीसी से आर्थिक मदद मिलने में दिक्कत होगी। प्रदेश की 5 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्हें नैक से अधिमान्यता नहीं है। इसमें अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन शामिल हैं। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार उच्च शिक्षा मंत्री को मालूम ही नहीं था कि उनके विभाग के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों को ही अमान्य कर दिया गया है। अब मंत्री जी जांच की बात कर रहे हैं। जब हमने मंत्री जी को जानकारी दी कि इन विश्वविद्यालयों के बच्चे तो बिना मदद के अनाथ हो जाएंगे, तब शिक्षा मंत्री जी की आँख खुली। अब ये कार्यवाही की बात कर रहे हैं। मैं अभी आप सबके माध्यम से जानकारी में आया है, मैंने अधिकारियों से कहा है कि इसका परीक्षण करके मेरे को बताएं ऐसी चूकें कहाँ से हुई हैं। विश्वविद्यालय सीधे या संबंधित संस्थान सीधा बेंगलोर जो नेक का मुख्यालय है वहाँ पर भेजते हैं। कुछ प्रोसीजर में कमी रही है, मैं उसका परीक्षण करा रहा हूँ। दरअसल यूजीसी देश में मौजूद विश्वविद्यालयों को उनकी योग्यता के आधार पर पैसा देता है। यूजीसी से ही संबद्ध नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल हर 5 साल के लिए विश्वविद्यालयों को ग्रेडिंग देता है। उन ग्रेडिंग के आधार पर ही यूजीसी विश्वविद्यालयों को पैसा आवंटित करता है। लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालयों को हर 5 साल बाद नैक से अपने को अधिमान्य करवाना होता है। नैक के मान्यता न देने के बाद अब यूजीसी विश्वविद्यालयों को ग्रांट नहीं देगा। ऐसे में इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र परेशान हैं। स्टूडेंट के फ्यूचर पर काफ़ी बैड इफेक्ट पड़ेगा और जो फैसिलिटी यूनिवर्सिटी अभी तक प्रोवाइड करते आ रही है स्टूडेंट को और जो कॉलेज में पढ़ रहा है स्टूडेंट, तो उनको वो फैसिलिटी अब नहीं मिल पाएगी क्योंकि फाइनेंस पोजीशन जो है कहीं ना कहीं व्यू की अफेक्ट होगी इससे। तो मतलब जितना अच्छा बेटर फ्यूचर बच्चों को दिखाई दे रहा है उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा। सर ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है स्टूडेंट्स के लिए भी कि मंत्री जी तक को ये नहीं पता है कि नैक ने यहाँ पे ग्रेडिंग नहीं की है। इससे तो स्टूडेंट्स का भविष्य जो है पूरा अंधकारमय हो जाएगा। एक तो वैसे यूनिवर्सिटी की हालत ऐसी खस्ता है कि इधर के बच्चे का कहीं बाहर जाते हैं तो उनको वैसे भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता और नैक का ऐसा कदम उठाना और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है यूनिवर्सिटी के लिए। पिछले साल मध्य प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता एमसीआई ने खत्म कर दी थी। इसके बाद घबराए चिकित्सा मंत्री ने प्रदेश के सांसदों के साथ मिलकर एमसीआई के दिल्ली दफ्तर में प्रदर्शन किया था, तब जाकर मान्यता नसीब हुई थी। अब विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार शिक्षा का भगवाकरण के साथ साथ शिक्षा का बाजारीकरण भी कर रही है। और सरकार की चाहे वो चिकित्सा शिक्षा हो या तकनीकी शिक्षा हो या एजुकेशन जो सामान्य हो रही है उसको लेकर हो, कोई रुचि नहीं। सरकार की रुचि सिर्फ और सिर्फ भगवाकरण को प्रोत्साहित करने की है। एमसीआई ने पिछली बार कई मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी थी। नेक की वजह से भी चूंकि ग्रेडिंग नहीं हो पा रही है तो यूजीसी विश्वविद्यालयों को मान्यता नहीं दे पाएगा और जो पिछले वर्ष 10वीं 11वीं 12वीं के रिजल्ट आए थे वो भी निराशाजनक थे। तो कुल मिला के शिक्षा के समूचे स्तर को एक षड्यंत्र पूर्वक मध्य प्रदेश में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देर आए दुरुस्त आए, बस आना चाहिए। अब जबकि उच्च शिक्षा पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया हो तो सरकार भी जाग गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मामला सुलझ जाए और लाखों छात्रों के भविष्य से सरकारी खिलवाड़ भी रुक जाए। डीजी न्यूज़ के लिए कैमरामैन आसिफ हसन के साथ सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट।